आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू। उन्होंने बोला है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, ये हमें पता है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये मेरा ग्रुप जो है वो नीचे जाते जाते, ये मान लो मेरा ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो नीचे जाते जाते विद इन अ ग्रुप जो मेरा साइज है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से फ्रेंशियम की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द ऑर्बिट, कि जो मेरी ऑर्बिट्स है यानी कि जो मेरी शेल्स है, ऑर्बिट्स से आप क्या समझ सकते हो, शेल्स है, वो इंक्रीज करती है। तो क्या ये बात सही है? देखो, अगर जैसे जैसे मैं अपना हाइड्रोजन से लिथियम पे जाऊँ, तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हम अपना फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके अंदर मेरी 2 शेल्स होती हैं। सोडियम में बात करूँ तो सोडियम में 3 शेल्स होती हैं, ठीक है। एंड अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम में 4 शेल्स होती हैं। तो ये बात तो सही है, जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी शेल्स बढ़ती जा रही है, और शेल्स बढ़ रही है तो शेल्स की वजह से साइज ही बढ़ रहा है, क्योंकि साइज किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कितना डिस्टेंस है, और शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से ये इंक्रीज कर रहा है तो साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। सेकंड, वो कहते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट एक बात बताओ, न्यूक्लियस के साइज को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या साइज में? नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज से तो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये फॉल्स हो गई। सिमिलरली प्रोटॉन्स के केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट वो कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, और इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ ग्रुप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में सेम ही होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो मेन इंक्रीज होता है दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।